हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, देहरादून व्लॉग में आपका पुनः स्वागत है। और ये सामने आप देख सकते हैं माँ डाट काली माता का मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं। जय हो माँ काली की। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली देहरादून हाईवे एक्सप्रेस के न्यू टनल के पास, जहाँ पर अभी हम देखने जा रहे हैं किस तरह से काम हो रहा है, क्या काम आगे बढ़ा है। किसी व्यूवर्स ने मेरे से पूछा था कमेंट्स में कि प्लीज़ अपडेट दीजिए इसकी, तो मैं इसीलिए ये अपडेट बना रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ का काम काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है दोस्तों, और मैं अभी आपको आगे जाकर दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ का काम चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है और कब तक इसकी पूरा होने की संभावना है। दोस्तों इस टनल के मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ और ये अपडेट के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसका थोड़ा मोटा मोटा ही आपको डायमेंशन बता देता हूँ। इसकी जो लंबाई है वो है 340 मीटर, और इसकी चौड़ाई जो है 14 मीटर है, और इसकी हाइट 7 मीटर है। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर लगभग अंदर का काम फिनिश हो चुका है, और अभी ये सिर्फ फिनिशिंग का काम रह चुका है, अभी ये लेबलिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो मेरी यहाँ पर एक ऑफिसर से बात हुई थी जो यहाँ पर देखते हैं काम को, तो वो ये कह रहे थे कि लगभग 4 से 5 महीने लगेंगे इस टनल को चलने में। और ये माँ डाट काली माता मंदिर के पास की 3री टनल है दोस्तों, जो आप जानते ही हैं। इससे पहले कि 2018 में एक टनल और बनी थी यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा जल्दी से जल्दी काम करने की कोशिश की जा रही है। ये JCP है और भी बहुत सी ज़्यादा यहाँ पर मशीनें हैं जो काम कर रही हैं अपना, और इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम कम से कम हो पाए दोस्तों। और इस टनल का निर्माण दोस्तों भारत कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है, जो कि इससे पहले कि 2018 में जो टनल बनी थी उसको भी भारत कंस्ट्रक्शन ने ही बनाया था। और आप ये बाहर देख सकते हैं दोस्तों, ये जितना भी आपको मिट्टी और ये सब दिख रहे हैं ये सब यहाँ से हटेगा और यहाँ पे फिनिशिंग का काम शुरू हो जाएगा। लेबलिंग हो ही रही है आपके सामने, आप देख सकते हैं। और ये जो है देहरादून की साइड से है दोस्तों इस टनल का रास्ता। तो चलिए थोड़ा सा आगे इधर से भी मैं आपको काम दिखा देता हूँ किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ वेल्डिंग वगैरह का काम भी हो रहा है और अंदर जो है कुछ काम चल रहा है, इसीलिए अंदर जाना अलाउ नहीं है दोस्तों। तो मैं यहीं से आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। बस ये जल्दी से जल्दी काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद ये भी स्टार्ट हो जाएगा, तो देहरादून की काफ़ी हद तक दिल्ली देहरादून हाईवे की ट्रैफिक की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो सकती है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम होता है दोस्तों, क्योंकि मोहन का जो रास्ता है वो बहुत छोटा है अभी, तो इसीलिए इसी का काम ज़्यादा हो रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, जो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।